नमस्कार न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और रुक करेंगे 15 सेकंड में पूरी खबर का। कांग्रेस के हिंदुत्व प्रेम पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कसा तंज, चुनाव में लाभ लेने के लिए कांग्रेस करती है ऐसे प्रयास, कांग्रेस के दोहरे चरित्र को जनता पहचानती है। प्रदेश में कांग्रेस नेतृत्व पर सीएम शिवराज का तंज, कहा अब नेता कौन है समझ नहीं आता, कोई कहते हैं भावी, कोई कहते हैं अवश्यम भावी। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह का बड़ा बयान, कहा जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे बीजेपी के नेता कांग्रेस में शामिल होंगे। प्रदेश में धर्मांतरण के मुद्दे पर एक्शन में शिवराज सरकार, पूरे प्रदेश में शिक्षण संस्थानों की होगी पड़ताल, मदरसे में दी जाने वाली शिक्षा की भी होगी जांच। मंदसौर गोलीकांड पर हो रही सियासत पर बोले सीएम शिवराज, जब चुनाव आता है तभी कमलनाथ को मंदसौर याद आता है, कांग्रेस मौतों पर सेकती है राजनीतिक रोटियां। नमो के गंगा जमुना स्कूल मामले पर सीएम शिवराज का बड़ा बयान, बच्चियों को अलग ड्रेस पहनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, दोषियों पर होगी कठोरतम कार्रवाई। नमो के गंगा जमुना स्कूल पर हिंदूवादी संगठनों के गंभीर आरोप, स्कूल पर जाकिर नाइक से प्रेरित होने का आरोप, छात्र छात्राओं के परिजन फीस लेने पहुंचे स्कूल। बालाघाट को सीएम शिवराज की बड़ी सौगात, 208 करोड़ की लागत के विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास, पारंपरिक बैगा नृत्य में सीएम का दिखा अलग रंग। कमलनाथ को सीएम उम्मीदवार बताने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, बीते 20 सालों से जनता ने शिवराज जी को चुना, जनता के मतों में कांग्रेस हमसे 20 साल पीछे। महाकाल लोक में टूटी सप्तऋषि की मूर्तियों पर कांग्रेस के वीडियो पर घमासान, वीडियो में आगामी चुनाव में कांग्रेस सरकार लाने की बात, संतों ने जताई नाराजगी। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बेटे आकाश सिंह राजपूत की दरिया दिली, सागर में सड़क हादसे में 2 घायलों को अपनी गाड़ी से पहुंचाया अस्पताल, समय से इलाज मिलने पर बच गई घायलों की जान। हरदा में पानी के लिए मटका फोड़ प्रदर्शन, कांग्रेस ने नगर पालिका कार्यालय पर किया हल्ला बोल प्रदर्शन, नफा परिसर में महिलाओं ने धोए कपड़े। शिवपुर पुलिस पर लगा अवैध शराब की बिक्री में मिली भगत का आरोप, दूसरे वाहन में शराब लाद कर ले गए माफिया, एसपी आलोक कुमार ने नहीं दिया कोई जवाब। आगर मालवा में बड़ा हादसा, पीली मिट्टी की खदान धंसने से 3 मजदूर महिलाएं घायल, तीनों का इलाज जारी। सीधी पुलिस के सामने जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, धारदार हथियार से हमले में 6 लोग घायल, खूनी संघर्ष का वीडियो आया सामने। राजधानी भोपाल में इलेक्ट्रिक बाइक में लगी आग, आग से बाइक हुई खाक, नवी बाग के पास हुआ हादसा। पिंड में भीषण आग से हड़कंप, आग की चपेट में आए कीमती कपड़े, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। रीवा में वन कर्मचारियों की दबंगई, बस कंडक्टर के साथ मारपीट का आरोप, गाड़ी में जबरन बैठाकर ले जाने का आरोप, वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में पुलिस। भिंड में नहाने के दौरान 2 युवक चंबल नदी में डूबे, युवकों की तलाश में जुटी एसडीआरएफ की टीम, फूप थाना इलाके के गढ़ा घाट का मामला। सिवनी में पेयजल संकट को लेकर ग्रामीणों का हंगामा, परेशान ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। भोपाल के छोटा तालाब में फेंके मिले कोरोना के कीमती इंजेक्शन, कोरोना काल में जमाखोरी की आशंका। भुजन में घर के बाहर से लापता हुई मासूम का अब तक सुराग नहीं, 4 साल की बच्ची का खेलते हुए सीसीटीवी फुटेज आया सामने। भोपाल में चोरों का आतंक, एक ही रात में 3 जगह वारदात को दिया अंजाम, अलग अलग घटनाओं में लाखों के माल उड़ाए, पुलिस के हाथ अब तक खाली। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहां है चिप वाला नोट, बताएं कितने बड़े बड़े डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम। ईडी आईटी की कार्रवाई पर सीएम भूपेश बघेल का बयान, कहा लोकसभा चुनाव तक रुकेंगे ईडी के अधिकारी। छत्तीसगढ़ बोर्ड टॉपरों को कराई जाएगी हेलीकॉप्टर की सैर, 10 जून को हेलीकॉप्टर जॉय राइड का आनंद ले सकेंगे टॉपर, 10 जून को सीएम आवास पर प्रमाण पत्र सहित नगद राशि से सम्मान। लापता एंकर सलमा केस में बड़ा खुलासा, दर्री मार्ग पर दफनाया गया था शव, सैटेलाइट इमेज में नजर आया भीड़, सही जानकारी मिलने के बाद हो सकती है खुदाई। पोस्ट ऑफिस पहुंची राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, डाकघर में खुलवाया महिला सम्मान बचत पत्र खाता, खाता खुलवाने के बाद प्रधानमंत्री को दिया धन्यवाद। दुर्ग में रामायण महोत्सव को लेकर सियासत, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने
सीएम बघेल पर साधा निशाना, कहा सीएम को श्रीराम के बारे में बोलने का अधिकार नहीं, कांग्रेस कर रही है वोट की राजनीति। चुनाव से पहले बीजेपी ने बस्तर में लगाया जोर, आज से 3 दिनों तक केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह करेंगे बस्तर का दौरा, पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात, सभा को भी करेंगे संबोधित। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटा चुनाव आयोग, चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के लिए गुरुवार को दिल्ली से आएगी टीम, कलेक्टर और एसपी के साथ आयोग की टीम करेगी बैठक। राजनांदगांव में रेलवे पार्किंग बना चोरों का अड्डा, पार्किंग से कई गाड़ियां चोरी, चोरी की घटना के विरोध में लोगों ने किया प्रदर्शन। दफ्तरी में सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर ठगी, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, आरोपियों ने बेरोजगारों से ठगे थे 5,80,000 रुपए। कांकेर में हत्या के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, जन्मदिन की रात हुई थी युवक की हत्या, प्रेमिका के पिता ने साथियों के साथ मिलकर की थी हत्या। पूर्वा में राजस्व कॉलोनी में एक घर में निकला सांप, सांप देख घर वालों और आस पड़ोस में मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ में 2 दिन हीट वेव, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, अगले 24 से 48 घंटे के लिए जारी की चेतावनी। दिल्ली में नदी में नहाने गए 3 लोगों की डूबने से मौत, महिला और भाई बहन की डूबने से गई जान, लोरमी के रवेली गांव की घटना। गरियाबंद में 500 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, पकड़े गए, गांजे की कीमत 1,25,00,000 रुपए। ग्वालियर में पुराने विवाद में युवक पर चाकू से जानलेवा हमला, घायल युवक को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में कराया गया भर्ती, इंदरगंज थाना क्षेत्र के खलासीपुरा इलाके का मामला। बैतूल में नदी में नहाने गए 3 बच्चों की डूबने से मौत, झाड़ियों में फंसकर 1 बच्चे की बची जान, हादसे के वक्त सभी बच्चों के घर पर नहीं था कोई सदस्य, साईखेड़ा के ढोडरा मोहार गांव की घटना। कांकेर में नक्सलियों ने मचाया तांडव, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चल रहे सड़क निर्माण में लगे 6 वाहनों को फूंका, कोपिन गुंडा गांव के पास नक्सलियों के पास वारदात को दिया अंजाम। बीजापुर में नक्सलियों के बटालियन जोन में कोबरा बटालियन की मुठभेड़, बीजापुर और सुकमा जिले की सीमा में मुठभेड़ की खबर, 2 घंटे से दोनों तरफ चल रही गोलियां। दुर्ग में पत्थर मारकर युवक की हत्या, आपसी रंजिश में हत्या की आशंका, शक्तिनगर क्षेत्र की घटना, 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी पुलिस। बिलासपुर में शराबी पति ने पत्नी पर किए चाकू से वार, गंभीर रूप से घायल महिला का इलाज जारी, सरकंडा थाना क्षेत्र के बंधवा पारा की घटना, फरार आरोपी की तलाश जारी। अंबिकापुर में हाथी के हमले में 55 साल की महिला की मौत, जोड़ा तालाब जंगल में हाथी ने महिला पर किया हमला, लुंड्रा वन परिक्षेत्र के ग्राम अस्कल का मामला। जबलपुर में शेखपुरा स्टेशन पर टला बड़ा हादसा, गैस से भरे मालगाड़ी के 2 टैंकर पटरी से उतरे, मौके पर पहुंचे रेलवे अधिकारी कर्मचारी, पेट्रोलियम प्लांट के पेट्रोल डीजल और गैस स्टॉक करने वाले डिपो तक जाती है मालगाड़ी। जबलपुर में देव व्यापार के अड्डे पर पुलिस का छापा, आपत्तिजनक हालत में मिले 8 से 10 लड़के लड़कियां, गिरोह का भंडाफोड़ के लिए खंगाले जा रहे मोबाइल फोन। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार 5,40,00,000 मतदाता डालेंगे वोट, 64,100 बूथों पर होगा मतदान, 1 अक्टूबर तक जोड़े जाएंगे शेष मतदाताओं के नाम। दमोह में स्याही फेंकने के मामले में डीईओ पहुंचे थाना, जिला शिक्षा अधिकारी ने कोतवाली थाने में दर्ज कराया मामला, कल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अधिकारी पर फेंकी थी स्याही। राजस्थान के कोटा निवासी ट्रक ड्राइवर की गुना में मौत, परिजनों ने ट्रांसपोर्ट मालिक को बताया जिम्मेदार, तबीयत बिगड़ने के बाद समय से अस्पताल नहीं ले जाने का। गरगौन में 100 फीट गहरे कुएं में गिरा 36 साल का शख्स, एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बचाई जान, मेरगांव थाने के बीड गांव की घटना। गरगौन में बदमाशों ने बरपाया कहर, जन्मदिन मनाने गए युवक पर बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग, मोबाइल छीनने के दौरान बदमाशों ने मारी गोली, पैर में गोली लगने से युवक जख्मी। गरियाबंद में बाघ के शिकार के आरोप में 5 शिकारी गिरफ्तार, शिकारियों के पास से टुकड़ों में बाघ के खाल और मोर के बच्चे जब्त, तेंदुए समेत वन्य जीवों के अंग भी बरामद, छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर कुडुपानी में कार्रवाई। राजनांदगांव में स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठ रहे सवाल, जिला अस्पताल में 20 दिन से खराब है एक्सरे मशीन, प्राइवेट सेंटरों में एक्सरे कराने को मरीज मजबूर, जिम्मेदारों से ध्यान देने की अपील। कोरबा के बुजुर्ग का दिखा जलवा, 80 की उम्र में लगाई 3.5 मीटर की लंबी छलांग, दिल्ली में आयोजित नेशनल गेम्स में जीते 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल। जसपुर सन्ना मार्ग पर सड़क निर्माण को मिली मंजूरी, 9 किलोमीटर अधूरी सड़क के निर्माण की मिली स्वीकृति, हर्रापाट से
बैतून क्यारी तक सड़क निर्माण को लेकर सालों से मांग कर रहे थे ग्रामीण।